बहुत ही अच्छा माहौल है। कल हमने कैमूर ज़िले में और इधर रोहतास ज़िले में हमने समय लगाया। जनता पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है और वो बिहार को यहाँ से आगे लेके जाना चाहती। सर आज चिराग पासवान ने भी काफी हमला बोला है, और लगातार वो आप बता रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। नहीं, बीजेपी के साथ पूरा बिहार है, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों, उन्होंने अपने को खुद ही अलग किया हुआ है। हमारे तो एनडीए में थे वो, लेकिन उन्होंने इस बार चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का निश्चय किया। अभी वो हमारे एनडीए में नहीं है। बाकी एनडीए को पूरा बिहार बिना एक भी वोट इधर उधर किए पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को आगे बिहार बढ़ाने के लिए अपना मैंडेट दिया। रैलियों में हंगामा हो रहा है, नीतीश कुमार की रैली में हंगामा किया गया, कुर्सियां तोड़ी, तीन लोग गिरफ्तार भी हुए। तो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, हंगामा तो वही करता है ना जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इस समय जो महागठबंधन है उसकी सारी सच्चाइयाँ पर्दाफाश हो रही हैं, तो वो अब हिंसा पे उतारू हो रहा है। हमारी हमको जान से मारने की धमकी आई है, वो नीतीश जी के सभा में कुर्सी तोड़ दी गई, दिनेश की सभा में कुर्सी तोड़ी गई। तो ये सब जो व्यवहार दिख रहा है ये खुदे बतावता कि इन लोगों का जान से मारने की धमकी मुंगेर में कर। अब ये मैंने डीजीपी बिहार को बता दिया है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहता हूँ। लेकिन अब मुझे मारने की धमकी दे करके आप परिचय क्या देना चाहते हैं ये सबको पता है। सर एक सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि हमने जो बीजेपी के साथ फ्रेंडली फाइट किया है 5 सीटों पर, उसके बारे में बीजेपी आला कमान को हमने बता दिया। ये बिल्कुल भ्रामक समाचार है, ये बिल्कुल ही झूठ है। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव ने आज कुल 11 सवाल आप लोगों से पूछा है कि पटना क्यों गंदा शहर है और मेडिकल कॉलेज से बन रहा है, कब तक बनेगा, इस तरह के कुल 11 सवाल आज पूछे गए हैं विकास को लेकर। अरे भाई, मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ ना, एम्स आया ना, IIM आया ना, दीघा पुल बना ना, अटल सेतु बना ना, छपरा आरा सेतु बना ना, पटरौना बघा सेतु बना ना, सड़कों का जाल बिछा न, तो इतना हो गए तो बाकी हो। एक सवाल है, एक अंतिम सवाल यह है कि तेजस्वी चिराग पासवान ने यह कहा कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सात नशे और शराबबंदी में घोटाला है, तो मुख्यमंत्री इतना घबरा क्यों रहे हैं जांच कराने से, डर किस बात का? मुख्यमंत्री कहाँ घबरा रहे हैं, अगर ये चुनाव के पहले बोले होते तो अभी तक जाँच गठित हो गई होती। अब भाई, ये तो गलती उन लोगों की है ना कि वो चुनाव में बोल रहे हैं। अगर इसके पहले बोल देते तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का 0 टॉलरेंस है करप्शन पे। जैसे ही बात आएगी हम जांच कराएंगे, और दोषी कोई भी हो हम उसको सजा देने की। उन्होंने कहा कि जाना था मुख्यमंत्री का, महाराष्ट्र में अंग्रेजी शासन का अंग्रेजी नियमों को पालन करके मीडिया पर बैन लगाया जा रहा है। अरे भैया, मीडिया पे जो बैन लगाई वो खुद ही खत्म हो जाएगी।